Hello everyone, welcome back to All of In Mom Magazine. Today's video is South Indian dish recipe. It's a dosa and sambar. Actually, I'm showing you way in a very easy step. So if you don't know, so you can easily cook it. तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है राइस 6 बाउल. रेशियो जो इसमें मैंने लिया है वो 1:3 का लिया है, मतलब जितनी भी दाल होगी उसका ट्रिपल राइस लेना है. तो मैंने 6 बाउल राइस लिया है और 2 बाउल उड़द दाल ली है. अब इसमें ऐड करूँगी मैं 2 चम्मच बड़े चम्मच चना दाल या बंगाल ग्राम दाल और 1 टीस्पून फेनोग्रीक सीड यानी कि मेथी दाना. इसको अच्छे से वॉश करके कुछ टाइम के लिए इसको जो है सोक करके फिर सेपरेटली ग्राइंड कर लेना है और फिर इसको मिक्स करके दोनों को जो है फर्मेंटेड होने के लिए 6 to 8 आवर्स के लिए छोड़ देना है. थोड़ा ये राइस हो जाएगा इस तरीके से. तो उसके बाद 6 से 8 घंटे हो चुके हैं और ये ऐसा है, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है. तो इसमें मैं ऐड करूँगी टेस्ट के हिसाब से साल्ट और थोड़ा सा पानी ताकि ये जो है थोड़ा सेमी लिक्विड जैसा हो जाए. मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ कि इसको कैसा होना चाहिए. तो पानी मिलाने के बाद इसको खूब अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है और ये देखिए ये ऐसा होगा कि बिल्कुल ईजी फ्लो में ये जो गिर रहा है, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है. जब हम इसको तवे पे स्प्रेड करेंगे तो ये ईजिली स्प्रेड हो जाएगा. तो अभी मैंने एक फ्लैट पैन ले लिया है, उसमें मैं एक अनियन को रब कर दूँगी. गर्म होने के बाद इसको रब करना है और फिर जो है अपना बैटर इस पर पोर करेंगे हम और किसी भी फ्लैट बाउल की हेल्प से इसको जो है स्प्रेड करते जाएंगे. तो ये मैंने इसको स्प्रेड किया इस तरीके से. इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है और थोड़ी देर के लिए, जब ये 2 to 3 मिनट्स ये कुक हो जाए तो फिर इसमें थोड़ा सा जो है घी या फिर कुछ ऑयल साइड से हल्का फुल्का सा डाल देंगे. बहुत ज़्यादा नहीं डाला जाएगा, थोड़ा सा बस डालेंगे और ये अपने आप ही नीचे से निकल आएगा. और 2-3 मिनट होने के बाद इसको हम फ्लिप करेंगे. बस फ्यू सेकेंड के लिए हम इसको फ्लिप करेंगे और डोसा हमारा जो है वो रेडी है. तो फ्लिप करने के लिए मैंने इस तरह का स्पून लिया जो साइड से बिल्कुल फ्लैट है, तो ये बहुत ही ईजिली फ्लिप हो जाता है. तो ये यू कैन सी ये बिल्कुल आसानी से निकल गया है. इसको चारों तरफ से हल्का हल्का इस तरह से रिमूव करेंगे. बहुत ही आसान है, मैं बिल्कुल प्लेन डोसा बना रही हूँ. और इसको बनाने के बाद जो है इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं. ये बिल्कुल बेसिक डोसा है फॉर बिगिनर्स. तो इसको मैंने फ्लिप कर दिया है और डोसा बन के तैयार है. तो इसके बाद जो है यू कैन सी अगर आपको थोड़ा और क्रिस्पी चाहिए तो उसको 1-2 मिनट और एक्स्ट्रा कुक करेंगे तो वो बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगा. मैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को ऐसा पसंद है. तो बस ये डोसा बन करके तैयार है. इसके बाद हम बनाएंगे सांभर. सांभर के लिए मैंने जो है सबसे पहले जो है 1 बड़े चम्मच इमली का गूदा लिया हुआ है, टेमेरिंड. इसको मैंने सोक कर दिया 1-2 घंटे के लिए पानी में. तो ये देखिए ये सोक हो चुका है एक्चुअली. फिर इसको अच्छे से मैश करके इसका जो पल्प सारा निकाल लेंगे और जो भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा है वो सबको साइड में कर देंगे. तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी सांभर बनाते वक्त. अब दूसरी तरफ एक कुकर में जो है मैं लूँगी 1 बड़े बाउल के करीब जो है तूर दाल या अरहर की दाल. जितना आपको बनाना है क्वांटिटी आप उतनी ले सकते हैं. मैं 1 बाउल एग्जैक्टली वेट तो मुझे नहीं पता है, ये 1 बाउल है. तो इसको जो है मैंने अरहर की दाल को मैंने ले लिया है और फिर इसको जो है मैंने वॉश कर लिया और फिर इसमें 1/2 टीस्पून टर्मरिक और 1/2 टीस्पून साल्ट डाल करके जो है नमक और हल्दी डाल करके 3-4 विसल आने तक इसको पकाएंगे कि दाल जैसे दाल पकती है ना बिल्कुल वैसे इसको बना लेना है. फिर एक किसी भी पैन में जो है 2 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे. ऑयल गर्म होने के बाद उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड. तो ये मैंने ऑयल डाल दिया है. अब ऑयल को हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे. गर्म होने के बाद इसमें जो है हम ब्लैक जो है सरसों उसको डालेंगे, छोटी वाली सरसों है ये. इसको क्रैक होने देंगे हम और जस्ट फ्यू सेकेंड इट विल टेक. फिर उसमें 1 बड़ी अनियन मैंने बारीक चॉप करके डाल दी, जैसे अंडे के लिए अनियन काटते हैं हम वैसे अनियन मैंने इसमें कट करके डाल दी है. और इसको जो है थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे ये थोड़ी गोल्डन हो जाए. ये बहुत ही ईजी सांभर है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है. तो इवन सांभर यू कैन ईट विद द राइस ऑल्सो, विद प्लेन वाइट राइस. तो इसके बाद जो है इसमें मैंने ये 1 ड्रमस्टिक लिया है और उसको मैंने इस तरह 1 इंच के साइज़ में जो है कट कर लिया है. इसको मैं डालूँगी इसमें
एक दो सेकेंड के लिए मैं इसको फ्राई करूँगी, और उसके बाद जो है डालेंगे इसमें, ये ड्रमस्टिक थोड़ा सा फ्राई हो गया है, अब इसमें डालेंगे टोमेटो कटे हुए, ये बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ है, एक बड़े साइज़ का टमाटर है या तो फिर छोटे छोटे दो हों, तो मैंने तकरीबन एक बाउल के करीब जितनी अनियन है उतना ही टमाटर भी है, और इसको फिर जो है थोड़ी देर तक के लिए इसको अच्छे से कुक करना है। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे इमली का गूदा, टमेरिन पल्प, और फिर इसमें जाएगा 2 बड़े चम्मच सांभर पाउडर या सांभर मसाला, और फिर इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर, और फिर इसमें डालेंगे टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट, मैंने 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट डाला है क्योंकि थोड़ा सॉल्ट और टर्मेरिक हमने पहले ही ऐड किया था दाल में, और फिर इसमें डालेंगे हम 1 बाउल ऑफ वाटर और 1 बाउल करी पत्ता, इसको मिक्स करेंगे अच्छी से। ये बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं बना रही हूँ। अब हम लिड को जो है कवर कर देंगे और 3-4 मिनट के लिए हम अपने मसाले को कुक होने देंगे अच्छे से, ताकि जो उसमें से सारी राइस मिल जो है वो निकल जाए। तो 3-4 मिनट हो चुके हैं, अब इसको चेक करते हैं, तो हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी कुक की हुई अरहर की दाल, तो ये मैंने दाल है इसको मैंने ऐड कर दिया है इसमें, और साथ ही में इसमें वाटर डालेंगे। वाटर जो है जितना आपको पतली चाहिए सांभर, जितना पतला आपको चाहिए, उसकी कंसिस्टेंसी जितनी आपको पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग डालें। तो मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। तो इसको मिक्स करेंगे हम, और बस इसको लो मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से कुक होने देंगे, 10 से 12 मिनट के लिए कुक होने देंगे इसको, कि इसमें से सारा जो है फ्लेवर्स इसके अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएँ। और ये हमारा सांभर जो है बन करके तैयार है, इट्स रेडी फॉर सर्व, यू कैन सी। इट्स वेरी फ्लेवरी, वेरी टेस्टी। ये बिल्कुल बेसिक सांभर और बेसिक डोसा मैंने इस वीडियो में बताया है, तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें। होपफुली आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर करें, और मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉम मैगजीन। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहें। ओके, टेक केयर, बाय।